राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक शुरू, अयोध्या से बड़ी खबर। दूसरे दिन की बैठक के समय से परिवर्तन, सर्किट हाउस में ये बैठक की जा रही है। बैठक में चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र मौजूद रहे। टाटा कंसल्टेंसी और LNT के एक्सपर्ट्स भी मौजूद। पहले द्वितीय पाली में होनी थी बैठक, तो आज बैठक का अंतिम दिन। दो दिन से ये बैठक चालू है, बता दें, जिसको में राम मंदिर निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए, आगे की दिशा देने के लिए ये बैठक चल रही है, जिसमें टाटा हाउस और LNT के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। नृपेंद्र मिश्र भी मौजूद रहे। कल की भी बैठक हुई, जिसमें ट्रस्ट क्षेत्र के तमाम अधिकारी और सदस्यगण शामिल हुए थे, और आज भी ये बैठक चालू है। बता दें कि राम मंदिर निर्माण नींव को लेकर ये बैठक चल रही है। तो अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक, सर्किट हाउस में बैठक शुरू हो गई है। टाटा कंसल्टेंसी और LNT के एक्सपर्ट्स बैठक में मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। मुठभेड़ में शातिर लुटेरे अमित को लगी गोली, जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। तमंचा, कारतूस और बाइक भी की बरामद। अमित पर दर्ज है 23 आपराधिक मुकदमे। तो बता दें, रामगढ़ ताल हनुमान मंदिर तिराहे के पास की घटना। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से सामने आ रही है। पंचायत चुनाव की मतगणना आज, 9 ब्लॉक मुख्यालयों पर मतगणना शुरू। 161 पदों के लिए हुआ है मतदान, तो मतगणना शुरू हो गई है चुनाव, पंचायत चुनाव की। अयोध्या से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव की मतगणना आज से शुरू हो गई है। 9 ब्लॉक मुख्यालयों पर मतगणना हुई थी, जिसकी अब 161 पदों के लिए ये मतदान हुआ था, जिसकी मतगणना चालू हो गई है। वहीं इस वक्त की अगली बड़ी खबर, रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट हुआ महंगा। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में 3 गुना हुआ इजाफा। 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई प्लेटफॉर्म टिकट। कीमत बढ़ाने का मकसद स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। एक बार फिर प्लेटफॉर्म टिकट करेगी लोगों की जेब हल्की। तो कोरोना की मार रेलवे ने अधिक झेली, उसके बाद अब लोगों की जेब पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट महंगी कर दी गई है। 3 गुना इजाफा किया गया है। 10 रुपए टिकट को बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया है।